आज किचन शाला में बन रहे हैं गर्मा गर्म गोभी के परांठे। सभी को नमस्ते, मैं हूँ नीलम और मेरी किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में गर्मा गर्म गोभी के परांठे हों और साथ में दही हो तो खाने का मजा ही अलग है। तो चलिए ये गर्मा गर्म गोभी के परांठे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक गोभी के फूल को, कॉलीफ्लावर को, आधे घंटे पहले धो के पोंछ के और इस तरह टुकड़ों में करके रख दिया था। गोभी को अभी साइड में रखते हैं, इसमें जो पानी होगा निकल जाएगा। पहले हम आटा लगा लेते हैं। आपके घर में जितना आटा लगता हो उतना आटा ले लीजिए और इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और एक बार मिक्स कर दीजिए। अब हम हल्के गुनगुने पानी से आटे को लगाएंगे और हमने सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। एकदम सारा पानी बिल्कुल नहीं डालना, पहले थोड़ा पानी डालें और उसके बाद जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालते जाएं। और एक सॉफ्ट आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। आटे को हम अच्छा मसल मसल के तैयार करेंगे। अच्छा मसलेंगे तभी आटे में लचक आएगी और हमारे परांठे अच्छे बनेंगे। अगर आटे को एक हाथ से अच्छे से ना मसल पाए तो दोनों हाथों से मसल लें, आराम से हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से आटा हम तैयार कर लेंगे। लास्ट में इस पर हम थोड़ा घी डालेंगे और एक बार और मसलेंगे। इससे आटा हमारा अच्छा चिकना हो जाएगा। और ये देखिए, आटा मैंने तैयार कर लिया है। आटे को हम ढक के रख देते हैं और अब चलते हैं गोभी के पास। गोभी को हम ग्रेट करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक ये ग्रेटर है और एक ये छोटे वाला ग्रेटर है। छोटे वाले ग्रेटर से नहीं करेंगे क्योंकि गोभी बहुत बारीक हो जाएगी और इससे ज़्यादा पानी निकल जाएगा। जो मीडियम ग्रेटर है उससे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से गोभी को ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है। गोभी में वैसे तो पानी थोड़ा ही होता है लेकिन फिर भी इसे निकालना होता, नहीं तो परांठे हमारे फट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सूती कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, साफ कपड़ा होना चाहिए, और इस पर इसे डालेंगे और इस तरह से घुमा के अच्छे से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। ऐसे कपड़े में डालने से है ना, आसानी से पानी निकल जाता है। जितना भी हो दबा के सारा पानी निकाल दीजिए। ये देखिए, इसमें इतना पानी था, ये मैंने निकाल दिया है। इसको डाल लेते हैं बर्तन में। और ये देखिए, गोभी हमारी बिल्कुल सूखी हो गई है, अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहे लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार डाल लें। और ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे 1 चम्मच, और थोड़ा ये इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी रगड़ के डाल देंगे। जब भी पूरी या परोंठे बनाएं तो अजवाइन जरूर डाल लें, गैस वगैरह नहीं बनेगी। और थोड़ी मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं अच्छे टेस्ट के लिए, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला, नमक बाद में ही डालेंगे, जब परांठे बनाने शुरू करेंगे ना तभी डालेंगे। और ये देखिए, मसाले को हमने तैयार कर लिया है। अब आटे की तरफ आते हैं। आटे को एक बार फिर से मसल लेते हैं, अच्छा चिकना ये हो जाएगा। अब परांठे बनाना शुरू करते हैं। तवे को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे, और आटे की हम इस तरह से लोई बना लेंगे। रोटी से थोड़ी मोटी लोई बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह की लोई हमने बना लेनी है। और अब इसको हम सूखे आटे में लपेटेंगे। परांठे मैं ये सोच के बना रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम परांठे बना रहे हैं और आपके परांठे बहुत अच्छे बन जाएं। आटे में लपेटने के बाद इसको हाथ से इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे। अब स्टफिंग में हम नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लेंगे। और अब इस तरह इसको एक कटोरी की शेप दे देंगे। और अगर आप इस तरह ना कर पाए तो कोई बात नहीं, बेलन से ही थोड़ा बढ़ा लीजिए, बेलन से ही थोड़ा बेल लीजिए। अब ये जो स्टफिंग हमने बना के रखी है ये इसमें भरेंगे। आप जितनी भरना चाहें, कम ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इसको स्टफिंग को नीचे दबाते हुए अंगूठे से इसके किनारों को हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए, ऊपर से किनारे ज़रूर मिलने चाहिए, और इस तरह से इसको बंद कर देंगे।
और फिर हाथों से इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। एक बार फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे इस तरह से, और अब हम इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, नहीं तो गोभी ऊपर निकल जाएगी। हल्के हाथ से बेलेंगे, थोड़ा जब ये मीडियम साइज का इस तरह से हो जाएगा तो एक बार और सूखा आटा लगा लेंगे और अब इसे बेल लेंगे। बहुत आराम से ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं फटता है। और अगर मान लो कहीं से निकल भी जाए थोड़ा बहुत, तो उसका भी ऑपरेशन कर देंगे। थोड़ा सूखा आटा उसके ऊपर लगा देंगे और एक बार उसके ऊपर फिर से बेलन घुमा दीजिए, सेट हो जाएगा। और ये देखिए परौठा हमारा तैयार है, और ये देखिए इसको हमने अच्छे से बेल लिया है। अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने पहले ही रख दिया था। थोड़ी देर एक साइड से इसे सिकने देंगे। जब ये थोड़ी देर एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप चाहें तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन परोठे वैसे तो घी में ही अच्छे लगते हैं। घी लगा दें और थोड़ी देर दूसरी साइड से भी सिकने दें। थोड़ी देर बाद हम इसे दोबारा पलटेंगे और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। इस तरह हम दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। और ये देखिए इसको मैंने दोनों साइड से बहुत अच्छे से पका लिया है। साथ ही मैंने एक और परोठा बेल लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया परोठा बन के तैयार है। अब हम इसी तरह दूसरे को भी सेक लेंगे। थोड़ी देर एक साइड से सेकेंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। थोड़ी देर दूसरी साइड से सिकने देंगे, उसके बाद पलट देंगे और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। इसी तरह अलट पलट के हम इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे, पलटे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये हर जगह से सिक जाए। और इस तरह से बनाते हैं ना, गोभी भी पूरे परौठे में बहुत अच्छे से फैल जाती है। और दूसरे परौठे को भी मैंने अच्छे से सेक लिया है अलट पलट के। और ये देखिए दो परांठे हमने तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आप भी ये गर्मा गर्म गोभी के परौंठे बनाइए, खाइए और खुश रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और पसंद ना आई हो तो भी कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताना कि कहाँ से पसंद नहीं आई, ताकि मैं कमी को सुधार सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल वाला बटन है ना, आइकन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।